आपको दिखाने वाला हूँ अपनी R15 है, BMW S1000। हम सोच रहे हैं इसको और एक KTM 250 को ले जाएं और एक ट्रिप मारें। भाई ये बिल्कुल यार मतलब क्या कर दिया इन्होंने गाइस, 50 की माइलेज दे रही है। आपके भाई ने बाइक देखी, लुक लुक भाई साहब दिमाग का ढक्कन है ना खुल गया। तो गाइस ये R15 में भाई ने लाइट बनाई है, दिखाओ भाई। ओ तो गाइस ये देखो, ये R15 अभी मॉडिफाई हुई है। बात ऐसी करके अपने साथ है टेक्नो कान, क्या हाल है ब्रो? बढ़िया बढ़िया भाई, भाई का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टोर पे, जो कि हमारा स्टोर है। तो गाइस ये रहा पूरा स्टोर, और स्टोर है गोकलपुरी में। मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ भाई के स्टोर में, तो भाई ने मेरे को एक सरप्राइज दिखाना है। भाई ने नई बाइक लिया R15 M, उसकी मैं टेस्ट ड्राइव करूंगा आज। बिल्कुल ही बाइक ने ना, ये सोच लो हर चीज तगड़ी है, तगड़ी है, तगड़ी है। मैंने कहा यार चला के देखे कैसी बाइक है यार। और एक और डिमांड है भाई, इसको थोड़ा ठीक कराना है, बहुत पुरानी हो गई। इसको भाई साहब ऐसा बना देंगे, वो क्या बोलते हैं मार्केट हमारे, बोलते हैं बुलबुल का बच्चा बना देंगे, समझ रहे हो? चलो भाई इसे बुलबुल का बच्चा बनवाएंगे। अभी इसमें छोटे मोटे काम कराएंगे, लेकिन इसमें जो बड़ा काम है वो अभी नहीं बता सकते, उसमें लगेगा बहुत टाइम लगेगा। और तब तक अपन दोनों को फेसबुक पे फॉलो करके रख लो। बिल्कुल भाई कर लो। चले भाई, चलो भाई अब तो दिखाएंगे सामान क्या क्या लगने वाला भाई की बाइक के अंदर, और करते स्टार्ट। चलो पहले स्टोर दिखाते हैं आपको क्या क्या सामान मिलता है। तो गाइस और अपने भाई है, क्या नाम है भाई? नदीम खान। और क्या नाम है? फजान। भाई ये बताओ क्या क्या सामान, सारा सामान मिल जाएगा जो बाइक का भाई है? बताएंगे बताओ भाई, भाई अपने पास में सामान की रेंज पूरी टोटली है। कोई भी बाइक है आपके पास, R15 वर्जन 2 है, वर्जन 3 है, वर्जन 4 है, KTM है, सब बाइकों के सामान सब अच्छे रेट पे मिल जाएगा, और सारा पूरा वारंटी वाइज रहता है। कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो हम ये कस्टमर भी नहीं कहते कि भाई हमारे पास से सही नहीं होगा, तो हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं गाइस। अपना सीधा ऑनलाइन भी सामान जाता है, और ऑनलाइन में किसी भी दिक्कत है तो भी पूरी हेल्प करते हैं गाइस। यही होना चाहिए। और अपना व्हाट्सएप नंबर बता दो अगर किसी को इस वीडियो के बाद कुछ लेने का मन करे। गाइस अपना है 9711223119। तो गाइस नंबर आपको पता ही चल गया होगा, आप व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं कौन सी भी बाइक है, उसके बारे में आपको खुद ही सजेस्ट करेंगे ये पार्ट बढ़िया ये पार्ट लगाओ। तो और भाई तो अपना यूट्यूबर है, 5 लाख हो चुके हैं, तो भाई का भरोसा है भाई। तो चले भाई फिर R15। बिल्कुल भाई अभी मंगाते हैं, भाई आ रहा है थोड़ी देर में। चलो अब तक अपन थोड़ी देर वेट कर रहे हैं। कभी खुद लो बात ऐसी घर के ऐसी, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी R15 M। बता दो कैसी लग रही है, मेरे को तो एक नंबर लग रही है भाई। कैसी लग रही है ब्रो? बोले तो भाई एक नंबर बिंदास सेक्सी भाई। कलर देखो ब्लू, ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, बहुत कम लोगों को पता है। रुको जरा सबर करो। तो गाइस बाइक ली है भाई ने, बट भाई ने कहा आप चलाओ कोई चला दिक्कत नहीं, भाई मजा आ जाएगा। मैंने चलाई भाई, माँ कसम बाइक एक नंबर की है। सबसे पहले तो इसकी लुक देखो, सिनेमैटिक एंजॉय करो पहले तो। तो गाइस सिनेमैटिक देख लिए कैसे लगे, अब भाई से पूछते हैं भाई कितने की पड़ी। सबसे पहली बात तो भाई मात्र 2,09,500 रुपए भाई, 2 लाख की पहुंच गई R15। और सच में 150 cc के सेगमेंट में इससे तगड़ी कोई बाइक नहीं भाई, अभी तक तो है नहीं। मैंने सोचा नहीं था मैं बाइक लूंगा, लेकिन आपके भाई ने बाइक देखी, लुक लुक भाई साहब दिमाग का ढक्कन है ना खुल गया। जैसे कुकर प्रेशर में गैस बढ़ जाता है खुल जाता है, दिमाग का प्रेशर ही खुल गया भाई। ले ली तो भाई यही ले। क्या क्या इसमें पुराने मॉडल से और इसमें क्या क्या मतलब? बहुत फर्क है भाई, इसके अंदर आपको अपसाइड डाउन आगे का सस्पेंशन मिलता है, ठीक है, इसके अंदर प्लस ABS मिलता है, प्लस इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, और जो गाइस क्विक शिफ्टर है वो आता है सुपर सुपर बाइक के अंदर आती है, जिनकी कॉस्ट गाइस आप लोगों को पड़ती है 8-10 लाख रुपए से, जो सेगमेंट के ऊपर की बाइक है उन चीज वो जो सारे फीचर्स आपको उन बाइकों में देखने में 2 लाख रुपए में दे रहे हैं। 2 लाख रुपए में इतना सब मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। और ये देखो अलॉय भी ब्लू कर दिए इसका, ये पूरा चेंज कर दिया, और पूरी चेसी की शेप ही बदली हुई है, और यहाँ से देखो कितनी जॉइंट लग रही है,
लगेगा भाई कम से कम 400-500 सीसी वाली बाइक है। क्यों ब्रो? और ये भी गोल्डन कर दी इन्होंने, हाइड्रोलिक का ये है ना। और भाई सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया के अंदर लॉन्च हुई है बाइक, पहले होती थी इंडोनेशिया के अंदर, अब क्या करा यामा ने डायरेक्टली इंडिया के अंदर लॉन्च करी। अभी पूरे कहीं पे नहीं हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया के अंदर सबसे पहले। क्या? क्योंकि डिमांड ही बहुत थी, बहुत डिमांड है। और भाई एक और बात, माइलेज क्या देती है? माइलेज ये समझ लो मेरे दुकान के 3 चक्कर लग जाते हैं। पचास की माइलेज दे रही है। और इसका आपको दिखा देते हैं मीटर, मीटर भी देखो कितना तगड़ा एडवांस, कम्प्लीटली डिजिटल। और भाई इसके अंदर आपका SMS दिखाएगा, कॉल दिखाएगा, टेम्परेचर दिखाएगा, ABS दिखाएगा, इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मोड सिखाएगा जब आप टोटल दोगे। हाँ, तो इसका पूरा आगे तक का जाता है। ये देखो भाई इसका ट्रिप इन्फॉर्मेशन सब यहीं से होता है, सब ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब। और ये स्टार्ट का इन्होंने बटन यहाँ से दे रखा है इसका, ये स्टार्ट हो गई ABS। क्या बात है, चीजें तो इन्होंने ठोक के दिए यहाँ माने मानने वाली बात। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो भाई सब पूछो मत, इसके अंदर बहुत दिया तो ठोक के दे दिए इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत दिया। और लिक्विड कूलिंग है ये पूरी, लिक्विड कूलिंग है भाई। R15M है, कैसी लग रही है? सेक्सी ये R15M है, नया वर्जन 4 ही है एक तरीके से, टॉप मॉडल है ये भाई। 2,10,000 भाई ये बिल्कुल यार, मतलब क्या कर दिया इन्होंने वहाँ कसम। सौरभ भाई बैठने के बाद ये भी भाई शार्प लुक आ रही है एकदम, ऐसा लग रहा है भाई साहब वो है ना निंजा 1000 BMW S1000 हाँ वैसी लग रही है, ऐसा लुक आ रहा है। ये जो ब्लू अलॉयज है ना भाई ये जान। और इसमें कौन कौन से कलर अवेलेबल है अभी? देखो जो M मॉडल है उसके अंदर आप लोगों को 2 कलर मिलेंगे, एक मॉन्स्टर एडिशन है और एक सिल्वर कलर है। अच्छा ये सिल्वर, मतलब जो R15 है V4 उसके अंदर 2 कलर मिलेंगे, ब्लैक मिलेगा और मिलेगा एक रेड। और इसके अंदर R15M के अंदर 2 कलर है। अच्छा अच्छा भाई, 2 कलर का तो फायदा ये है इसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी जो कलर चॉइस है बहुत अच्छी होती है। ब्लैक थी, मेरे को ब्लैक इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि गाइस अगर आप ब्लैक लोगे मॉन्स्टर एडिशन वो आपकी V3 की तरह ही लगेगी। V3 की तरह भाई, कुछ तो नया लेना चाहिए भाई। ये देखो भाई और हैजर्ड लाइट्स भी दे रखे। ये क्या है भाई इतना बड़ा, ये क्या दे रखा है भाई? इसके अंदर जो ना इसका कैलिपर है, इसके अंदर दिखता है कि इसके अंदर ऑयल कितना है ये। अच्छा तो ये यहीं से बता दे इसके अंदर। फिर भाई इसके अंदर हम ब्रेम्बो के लगाएंगे ऐसे डिब्बी वाले। हां इसको भाई मॉडिफाई करते रहेंगे और जो भी होगा भाई को बताते रहेंगे। और भाई का चैनल है मॉडिफिकेशन का, भाई के चैनल को जाके एक बार भाई देखना जरूर, काफी मॉडिफिकेशन आई भाई। मैंने तो सारी बाइकों का ऐसे ऐसा कर रखा है भाई। वैसे इसको यार मेरे हिसाब से इसको कोई जरूरत ही नहीं है, कंपनी ने खुद ही ऐसा ठोक के दे रही बाइक बनाती है ना। फिर भी सौरभ भाई इसके अंदर हम R1 वाले मिरर वगैरह, हाँ ये मिरर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम हो सकता है, छोटा मोटा काम, ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा सब दे रखा है भाई यार। पहली बात इसमें 2 मोड है, स्ट्रीट और रेस भाई। इसमें देख लो स्ट्रीट मोड आता है आपका, ट्रैक मोड आता है इसके अंदर, काफी अच्छा, मोड है जो आपको देखो यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर ट्रैक मोड आ रहा है, यहाँ पर इसका स्ट्रीट मोड है। अभी हमने इसको स्ट्रीट मोड पे कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ से इसके ट्रिप हो जाते हैं, ये इन्फो हो जाती है। अच्छा हाँ भाई ये देख लो ट्रैक मोड पे थोड़ी सी माइलेज मतलब कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्ट्रीट में 50 पार दे देगी, 50 तक दे देगी, क्या बात है। ट्रैक्शन कंट्रोल है भाई, जब आप अपनी बाइक को लीन करोगे ऑटो रेस इसकी नहीं पड़ेगी, आपकी अच्छा, जो रेस है एक्सीलरेटर वहीं पे लॉक हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात। और ये क्या भाई, यामा ऐप मतलब ब्लूटूथ, ये कनेक्टिविटी है इसके अंदर जो यामा की है ना, जो फोन से कनेक्ट हो जाती है आपका, आपकी बाइक क्या है ना, आपकी बाइक आपकी जेब में डालनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। वो भी मैंने चेक नहीं करा कैसे होगा इसमें, ट्रैकर व्रैकर दिए GPS क्या, वो कुछ नहीं है, वो अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, उसके अंदर अलग से पैसा लगाना पड़ता है ऐसी बाइक है भाई। क्या बात है गाइस, बाइक तो एक नंबर है, ट्रिप बनता है इससे। हम सोच रहे हैं इसको और एक KTM 250 को ले जाएं और एक ट्रिप मारे। और ये है इसके फॉग लैंप्स DRL। और देखो गाइस व्हाइट प्रोजेक्टर है, व्हाइट प्रोजेक्टर। पहले वाली जो V3 है ना, हाँ हाँ, उसके अंदर लाइट बिल्कुल जीरो थी। हाँ मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, कंपैरिजन दिखाया था, लेकिन भाई इसकी जो लाइट है ना आपको एक्स्ट्रा लाइट कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टर इसके अंदर MT15 वाला दे रखा है। ओ तेरी, Yamaha MT15 वो भी उसमें मतलब सेम इंजन डाला हुआ इन्होंने। हाँ सेम इंजन है भाई, सिर्फ बॉडी का फर्क है और बस बॉडी, वो भी इतनी भागती है MT15। इतनी भागती है बस, इसके अंदर जो 2021 का जो मॉडल है ये थोड़ा सा एडवांस फर्क है बस, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा है इसके अंदर। बाइक तो यार दिल को छू गई, मन कर रहा है यार मैं भी एक निकलवा लूं यार। मैं तो लेकिन तीन बाइक हो जाएंगी भाई, मेरे पास में 8 बाइक है यार। अरे मैं देखो अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के जाना, फिर भी मैंने बाइक ले ली यार। तो घर वालों ने क्या कहा? घर वाले इतनी बाइक ले, बाइक देख के भाई
पहले कह रहे होंगे भाई बाइक क्यों ले रहा है, फिर ऐसी बाइक आए तो गाइस लगेगा एक स्पोर्ट्स बाइक ही आ गई। ये क्या वेरिएबल वॉल्व एक्यूटेशन, इतना पता नहीं है भाई, कुछ तो है भाई, कुछ तो है भाई। पार्टी कहाँ हो रही है भाई? फिर पार्टी करेंगे शाम को। चलो तो गाइस पार्टी भी दिखाएंगे। अब एक काम करते हैं भाई, इसे मैं चलाता हूँ थोड़ी देर, चला मजे लेते हैं यार, मजे लेते हैं, तो जाओ मजे लो। मेरे भाई का नाम क्या है? करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड, पर अपने माथे बढ़ते सारे बावली तरेड़, मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूतने, और तेरे लूप पे जूत बजेंगे टूथ पे। लेवल 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 ही अलग है तेरे भाई का।